हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कुछ भी कहो यार, ये वाले वार्डरोब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम लोग। एंड मतलब कुछ बन सही नहीं रहा था यार कि ये वार्डरोब पे बंदे आए, लेकिन फाइनली यार बहुत कोशिशों के बाद ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर पाया हूँ मैं, वो भी इस वार्डरोब का। मतलब भूल से गए थे सारे के सारे बंदे इस वार्डरोब को। पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस वार्डरोब हुआ करता था ये, मतलब एक टाइम पर जॉर्ज पूल से भी ज़्यादा फेमस हो गया था। बट बीच में यार वो इवेंट के कारण ये वाले वार्डरोब को सारे के सारे बंदे ही भूल गए। फिलहाल ये क्लच देखो, स्टार्टिंग होती है। तो ये था गाइस एक प्यारा सा क्लच जिससे हमने शुरुआत करी ये वाले वार्डरोब में। अभी जल्दी से खाली कर दें ये वाले वार्डरोब को। I got supplies. वो एक बंदा जो है बोट लेके निकल रहा था यहाँ से, अब वो पानी में कूद गया क्योंकि उसकी बोट फूटने वाली थी, लेकिन उसका एक साथी है यहीं पे। अब पहले उसको मारेंगे, उसको डैमेज जरूर हुआ होगा गाइस, तो जाके रश कर देते इस बंदे के ऊपर। जो देखो आजकल यार शॉटगन का यूज़ कर रहा है, शॉटगन बहुत ही अच्छी हो गई है। फिलहाल कुछ और बंदे मेरे आजू बाजू, अब इसी के साथ जो है ये पूरे के पूरे जो कंटेनर वाली साइड थे, इधर हमने सारे के सारे बंदे ख़त्म कर दिए थे। और हम ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ज़्यादा बंदे अब मिलते हैं नहीं, तो अपन थोड़ा घरों की साइड चले जाते हैं अब, क्योंकि कंटेनर वाली साइड जल्दी फिनिश हो जाते बंदे, लेकिन घरों वाली साइड जो है काफ़ी आखिर तक बैठे रहते हैं। क्योंकि घरों के अंदर आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, कंटेनर बहुत ज़्यादा ओपन है, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट फाइट ही आपकी होनी है। तो पहले के टाइम पर यहाँ पर चार चार टीमें भी सर्वाइव कर जाती थी, लेकिन अभी के टाइम पर यार मतलब कितना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि इस वार्डरोब पे कोई भी बंदे नहीं आए, ना ही टीमें आती हैं। फिलहाल जो अभी कोई भी इवेंट नहीं चल रहा, दैट्स वाई यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, और हम भी दैट्स वाई इसीलिए ही यहाँ पे आए। अब ये बंदे को मारने के बाद जो है यहाँ पे घरों वाली साइड भी ज़्यादा टीमें नहीं थी, दो तीन ही टीमें आ रखी थी। थोड़ी बहुत वो आपस में लड़ ली, थोड़ी बहुत हमने मार दी उनको, उसके बाद यहाँ से निकलना था। लेकिन निकलना इतना आसान नहीं होता इस जगह पे आने से। इस वार्डरोब का सबसे बड़ा जो कह सकते हो आप डेंजरस चीज़ होती है इस वार्डरोब की, वो ये है कि पहले तो यहाँ से आप बच के निकल नहीं पाओगे। अगर आप बच गए तो बाहर के साइड बंदे आपका वेट कर रहे थे ब्रिज पे, इन जगहों पर, तो यहाँ से आपको गुजरना होता है। अब पहले तो हमने मेन वार्डरोब यानी कि कंटेनर्स खाली किए, फिर घर वाली साइड खाली किया, फिर अब जाके ये जो कंपाउंड आते हैं ना, इनको खाली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरना तो यहीं से है। अब इधर भी मालूम नहीं है कि ये टीमें कितनी हैं, कितने बंदे, एक ही टीम है या अलग अलग बंदे हैं, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे। तो अभी जाके जो है एक एक करके सबको निपटाना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी भी फाइटिंग चल रही है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है दो टीमें तो लड़ रही हैं गाइस आपस में, तीसरी हम मिला लो तो तीन टीमें अभी भी यहाँ पर हैं। पोजीशन बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है हमको, लेकिन निपटाने तो पड़ेंगे गाइस यहाँ से अगर निकलना है तो। अभी उधर सामने से किसी ने मेरा किल चुराया, और मैं अभी उसको देख ही रहा था कि वो किधर से मारा है, उसको मारेंगे हम जाके। तो मेरे टीममेट को कहीं ना कहीं से पड़ जाती है एंड वो हो जाता है नॉक। बट एक अच्छी बात ये थी कि मेरा टीममेट जो है घर के अंदर ही नॉक हुआ था, तो कुल मिला के वो ऊपर आ ही जाएगा, मेरे को नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहाँ से जो भी बंदा इसके ऊपर या हमारे घर के ऊपर रश करने की ट्राई करेगा, मैं उसको
मैं उसको लेटा सकता हूँ बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ से फायरिंग सामने से फिर से हुई और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बंदा है कहाँ पे, दिख तो नहीं रहा है, धुआं भी उड़ता हुआ देख लिया मैंने, उसी जगह पे फाइट भी हुई है। तो हम छोड़ के उनको निकल लेते हैं, हम भी क्या ही कहूँ, मैं निकल लेता हूँ ये देखने के लिए कि ब्रिज ब्लॉक है कि नहीं, क्योंकि अभी आखिरी पड़ा हुआ है। अभी इधर यार मेरे बचने के जीरो चांसेस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम ने ब्रिज ब्लॉक कर रखा है और मैं अपने टीममेट को इसलिए पीछे छोड़ के आया था। अब इन बंदूक की तरफ से एक मौली आती है और क्या एक्यूरेट मौली थी, हालांकि अभी तक ये मेरी मौली मेरे को टच नहीं हुई, बट मैं मौली जब फेंकने जाता हूँ तब ये मौली मेरे को छुल जाती है और मेरा तो यहाँ पे काम हो गया गाइस। अब एंगल हल्का सा बन रहा था यार और उसने वहीं से जो है नॉक एंड फिनिश दोनों डाल दिया मेरे को, तो कुल मिला के अब मेरे को जो है दोबारा यहाँ पे जो है रैव होना पड़ेगा। मेरा टीममेट मैंने पीछे खड़ा कर रखा था कि अगर मेरे को कुछ हो तो मेरे को रैव कर दियो। अब रैव जब मैं हो जाता हूँ तो अब इनकी बैंड बजाएंगे गाइस और जहाँ भी वो ढूंढ के मारेंगे, बट वो बंदे जो है फिर हमको मारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, उनको लगा कि शायद अब वेट थोड़ी करेगा कि वो बंदा जो है वापस उसी जगह पर रैव होके आएगा, तो हम जब जाते हैं तो बंदे निकल लिए थे वहाँ से। तो हमको फिर ओपन में एक प्यारी सी टीम दिखती है, इस टीम के दो बंदों को हमने लेटाया, लेकिन एक बंदा जो है गाड़ी लेके थोड़ा सा अपनी लोकेशन चेंज कर देता है, तो हम जल्दी जल्दी से जो है नीचे वालों को फिनिश करके आते हैं। बहुत ज़्यादा लूट भी नहीं है हमारे पास, मतलब स्कोप भी नहीं है, एमओ भी उतनी नहीं है, तो जाके लूटेंगे। बट जिस बंदे को मैंने नॉक किया है मे बी वो घर के अंदर, हो सकता है कि घर के अंदर गया अपने टीम मेट के साथ रैप होने के लिए, बट इधर हमको वो मिलता नहीं है। लास्ट वाले कमरे में भी चेक किया, यहाँ पर भी नहीं मिला। मेरा टीम मेट बोलता है कि वो शायद ट्रैक्टर के पीछे हो सकता है, तो एक बार जाके वहाँ पर भी देख लेते हैं। देखना क्या है गाइस, मैंने मौली फेंक दी है, अगर मिल गया तो गाड़ी से कुचल देंगे उसको वहाँ से। तो गाड़ी लेके अब निकलते हैं और ये मिल ही गया था हमको। फिर इसका एक और बंदा, उसको भी लेटा दे, देखो जरा दूर दूर खड़ा था जो। अब इनके एक दो तो बंदे और दिखे हैं, तो एक बार गाड़ी घुमाएंगे जरा फिर मारेंगे इनको। ये बंदा अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, पत्थर की दूसरी साइड जा रहा था, बट जा ही नहीं पाया एंड फायर भी नहीं कर पाया हमारी गाड़ी के ऊपर। चलो इसको मार दिया। अब उसके बाद ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी तगड़ी फाइट होने वाली मेरी और इस बंदे के बीच में। अपन आते हैं दोनों, हम दो थे, वो सामने वाला एक ही था फिलहाल तो, बट पोजिशन उसके तरफ थी, वो एकदम ऊँची जगह पर था, भले हम दो थे बट वो ईजिली हमको जो है 1v2 कर सकता था। तो उस बंदे ने बहुत सही सही चीज़ें करी कुछ कुछ, तो एक तो उसने नेट प्री कुक कर लिया था पहले से ही, तो अपन जैसे सीढ़ी पर जाने लगे तो नेट गिर गया वहाँ पर, तो मैं पीछे हट गया। फिर मैंने अपनी साइड से नेट करे, बट वो भी डॉच करता रहा जैसे कि हम डॉच कर रहे हैं नेट्स को। तो नेट डॉच करना बहुत आसान होता है अगर आप देखो तो। और इतने में मैंने इस बंदे को मार ही दिया जाके।